गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े अब 100 के नीचे आ रहे हैं। बुधवार को 24 घंटों के अंदर केवल 53 नए मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक 75 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 19,155 पहुंच गया है। इनमें 18,265 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 306 है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 584 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। एंटीजन और आरटीपीसीआर की जांच में भी ज्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं, यह बेहद सुखद है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ठंड के मौसम में कोरोना के संक्रमण की बढ़ने की आशंका बन रही है, ऐसे में लोगों को बताई गई सावधानियों को बरतने की जरूरत है। बुधवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 18 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 8 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ, कोतवाली, राजघाट और रामगढ़ताल में एक एक, तिवारीपुर में 2 और शाहपुर थाना क्षेत्र में 4 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 26 नए मरीज मिले हैं। इनमें पिपरौली, खजनी, पिपराइच, कौड़ीराम में एक एक, गघा, भटहट में 3-3, बार में 5 और चरगावा में 14 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 6 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित।